और चक्रवाती तूफान यास का असर सिमडेगा में भी देखने को मिल रहा है। रात से ही तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है और जायजा लिया है यहाँ पर हमारे सहयोगी आशीष शास्त्री ने। यास अब से कुछ ही देरों में उड़ीसा में तट से टकराएगी और अपनी गति को तेज कर देगी। तूफान यास का सिमडेगा में पिछले दो दिनों से असर देखा जा रहा है। परसों यहाँ बादल छाए हुए थे और कल रात से बारिश हो रही है और हवाएं चल रही। तूफान यास अपने साथ तबाही के कैसे मंजर लेकर आएगा यह तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन तूफान यास को लेकर जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिए हैं, जो संकेत दिए हैं, उसको देखते हुए सिमडेगा जिला प्रशासन ने अपने को अलर्ट मोड में रख लिया है। अभी भी सिमडेगा में बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं और कुछ ही देरों में यह हवाएं और बारिश तेज हो सकती है। जैसे जैसे तूफान करीब आता जाएगा वैसे वैसे बारिश और हवा तेज होती जाएगी। जिला प्रशासन अपने को अलर्ट मोड में रखी हुई है। संभावित खतरों को देखते हुए जिले के हर प्रखंड को अलर्ट कर दिया गया है। हर प्रखंड में वॉलंटियर को तैयार कर दिया गया है। स्लेटर होम में हर तरह की व्यवस्था कर दी गई है ताकि आपात स्थिति में हर मुश्किल से निपटा जा सके। जिला प्रशासन ने अगले 30 मई तक तूफान के संभावित खतरों को देखते हुए जिले में सभी निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है जिससे मजदूर सुरक्षित रह सके। जिले में 26 और 27 मई को वैक्सीनेशन के कार्य को बंद कर दिया गया है ताकि लोग घरों में रहें और वैक्सीन लगवाने घर से बाहर नहीं आए। जिले में 26 से लेकर 28 मई तक ऑटो और टैक्सी का परिचालन भी बंद रहेगा ताकि लोग घरों में रहें, टैक्सी वाले भी घर में रहें, ऑटो वाले भी घर में रहें। जिला प्रशासन ने तूफान को देखते हुए जिले में दवा दुकान छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है जिससे लोग सुरक्षित रह सके। जिला प्रशासन चाहती है कि जिले का हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, इसको देखते हुए जिले में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जिला प्रशासन का ये सारा प्रयास, सारा दावा कितना सही साबित होगा ये तो खैर तूफान गुजर जाने के बाद और तबाही के मंजर को देखने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि लोग घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे क्योंकि तूफान काफ़ी हानि दे सकती है। अतिवृष्टि और वज्रपात लोगों को हानि पहुंचा सकती है। न्यूज 11 भारत लोगों से आग्रह करती है कि वे घरों में रहें, नदी, तालाब, खेत और पेड़ के नीचे नहीं जाएं क्योंकि बारिश और वज्रपात से उन्हें हानि हो सकती है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री।